ये देखो लड़के, वी हियर। इतना कोई ये खराब बंदा, आपको याद होगा उस दिन पिज्जा शॉप पे मुझे 1 बजे का उसने कहा था, ये 4 बजे के पास आया, अभी भी उसने मुझे 12 बजे का कहा हुआ, 1:30 बज चुका है अभी तक नहीं आया। आपके दोस्त होंगे 11 बजे का कह के 11:30 आते हैं, 1 बजे का कह के 1:30 बजे आते हैं, लेकिन ये बंदा जो है ना 3-4 घंटा लेट आता है। अभी इसकी मुझे कॉल आई है, कहते हैं आगे वापस देखते हैं कहाँ पे खड़ा है। अच्छा, इसने मुझे कहा था 12 बजे आने का, 1:30 बजने वाला और अभी ये भाई आए हैं। 1:30 से भी ज्यादा टाइम किधर से जाए यार, मानने वाले। हमारे साथ ये दो भाई हैं, अभी हम सियालकोट से निकल रहे हैं, सियालकोट से जस्ट अभी निकले हैं, लड़के दो गए हुए हैं जूस लेने के लिए, उन्होंने भी हमारे साथ जाना, उनके पास कोई टिकट नहीं, अगर कोई जुगाड़ लगता है तो फिर कुछ करेंगे। तो अभी मैं और ये जैन है, हम दोनों के पास टिकटें हैं, हमने ली थी आपको पता है पीछे ब्लॉग, और तबीयत जो मैंने बताया था दुश्वारी हो रही है मुझे थोड़ी बोलने में और चीजें इंगल्फ करने में, कोई चीज खाता हूँ तो जान तो है। ये लेके आए लड़के हमारे जूस वगैरह, ये रास्ते में जाते हुए थोड़ी सी हेल्प करेंगे क्योंकि ये स्नैक्स जरूरी होते हैं साथ, अगर आपको जब लंबा सफर करना हो। यार काम रिस्क वाला ही है क्योंकि जो बंदे हैं ना अपने साथ के पास टिकट नहीं है। What? हमारे पास सिर्फ दो है, फिर उधर हमें कोई ब्लैक में टिकट मिलती है तो बाय कर ले, नहीं तो फिर पता नहीं किधर जाएंगे। किधर जाओगे यार आप? उधर ही फिर बाहर बैठेंगे। कोई नहीं आ रहा यार, ज़लालत होती रहती है। पर हज़ार बातों की एक बात, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, नवाज शरीफ वापस आ सकता है, ये बंदा कभी टाइम पे नहीं आ सकता। लंच में हाजी बफे खाने का मूड था, 3 से 4 रेस्टोरेंट मेरे बकेट लिस्ट में थे काफ़ी टाइम से, उनमें से एक तो हमने लास्ट अपने टूर में जो है ना वो कर लिया था कवर, 2 से 3 रह गए हुए थे, उन दोनों का बुफे ही मूड था, टोटली मूड था, हमने सारे मेन्यू वगैरह 3-4 रेस्टोरेंट की चेक किए हुए थे, लेकिन जाने का फायदा नहीं, अगर बुफे को बुफे की तरह नहीं खाया क्या हाँ का आप इंजॉय किया, मुझे कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। मैं क्या किया ले ठीक हो, मैंने तो सर कहते टीवी पे देखे जियो न्यूज़ पे आता है। ये देखो लड़के, वी हियर। अब अभी इसको देख के ना कुछ फील आई है कि PSL देखने जा रहे हैं। फाइनली लाहौर पहुंच गए हैं, अभी गदाफी स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं, इतनी दूर है जैसे गदाफी स्टेडियम 20-25 मिनट लग जाए। इन भाई सबको पता है, ज्यादा पता नहीं है, अभी 20-25 मिनट और आगे जाएंगे फिर जाएंगे हम स्टेडियम। यार कुछ खाना नहीं है, पहले टिकटें ले लें, दो अगर मिल रही है कहीं से तो ले लेते हैं जुगाड़। सुबह से पोस्टर ही नजर आ रहे हैं लेकिन अभी तक हम पहुंच नहीं रहे अपनी मंजिल पे, मंजिल मकसूद पे। यार अभी हम ढूंढ रहे हैं कुछ देसी, कुछ कढ़ाई वगैरह, क्या लगता है मिलेगा? इंशाल्लाह। शजर से उम्मीद बाहर। यार वैसे इधर जो है ना जलील होने हैं, खज्जल होने हैं, कुछ मिल रहा नहीं खाने को, जाहिर हम लोकल थोड़ी है लाहौर के। यार लंच कर लिया हमने, बीफ बनू पुलाव खाया क्योंकि कुछ स्पाइसी खा नहीं दे सकते, उसकी वजह ये है कि मुझे प्रॉब्लम थी, तो हमने पुलाव खा लिया। अब जाते हैं मैच देखने, मैच देखने के बाद अगर रात को भूख लगी तो कुछ खाएंगे फिर। हाँ मजा आया जनाब लंच का पता नहीं अब लाहौर आए हैं। अच्छा तो डाउट था। ओए हाँ यार वैसे बीफ खाया हुआ है, लाहौरी बीफ खाया है, अब मुझे नहीं पता ये कौन से जानवर का बीफ था, उम्मीद है भैंस का ही हो, किसी और चीज का ना हो, लाहौरी बीफ यार समझ जाओ। ये जो बंदा है इसको शौक पड़ा हुआ था खाने का बीफ। हाँ भाई होता तो नहीं खुआ छड़िया, बहुत मजा आया। What? थोड़ा दिलासा हुआ, नेट दी पार्किंग ना हो जाएगी। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग जलालत हमें पार्किंग मिल गई है। यार मेरे को लाहौर का मास्क चाहिए टीम आज के लिए। कलंदरिया इस्लामाबाद, कलंदरिया इस्लामाबाद, लाहौर कलंदरिया इस्लामाबाद। देखो क्या लिखा हुआ है। ये लोग आ रहे हैं सारे, एंट्री हो रही है, मैं अंदर आ गया हूँ, दोस्त कुछ लेने गया हूँ टिकट्स, वो लेके आते हैं दो, आपको पता है टिकट्स रहती थी हमारी बात करने वाली, तो वो आते हैं तो फिर हम चलते हैं अंदर स्टेडियम के। ये है स्टेडियम, स्टेपिंग इनटू द कज़ाफी स्टेडियम वाज प्रीटी ऑसम फॉर मी। ये वो स्टेडियम था जिसको हम बचपन में टीवी में देखते हुए आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने अपने फेवरेट प्लेयर्स को खेलते हुए देखा था टीवी में, तो उस सारे एनवायरमेंट को फर्स्ट टाइम अपने आई से विटनेस करना बहुत अच्छा था। स्टेडियम इस टाइम फुल भरा हुआ है, फुल हाउस में और थोड़ी थोड़ी सीटें रहती हैं हर स्टैंड में, लेकिन लाहौर की शायद पहले बैटिंग आई है।
है स्टार्ट होने वाला है, अभी ओपनिंग स्टैंड आया फरमान है। ये बताओ ये कुर्सियां क्यों हारनी है, मतलब स्टेडियम में कोई पब्लिक नहीं थी, मतलब कोई स्पेक्टेटर्स वगैरह नहीं थे आगे मैच थे? तो जनाब पूरा स्टेडियम फुल था, लेकिन ये जो सात चेयर्स हमारे हाल ही पड़ी हुई थी ये इसलिए पड़ी हुई थी कि ये जो स्कोर बोर्ड होता है आप टीवी में देखते हैं बड़ा सा स्कोर बोर्ड, उसके बिल्कुल पीछे थी। तो इसके पीछे और कोई नहीं बैठा हुआ था, मतलब ये शायद सोल्ड आउट भी नहीं हुई थी। सिटिंग लिमिट वहां तक ही थी जहां पे हम बैठे हुए। पहली बैटिंग आई हमारी यानी लाहौर क्लंदर्स की, हुआ ये सीन जनाब 12 स्कोर पे 3 आउट हो गए। क्या कमाल की बॉलिंग की फहीम अशरफ ने, पहला आउट हो गया यार, फहीम अशरफ ने विकेट लिया, क्या कमाल का बोल्ड किया, कैसा आउट था पहला, बहुत अच्छा यार, बहुत स्पीड पे था। अभी आया अभी कौन आया, मुझे नहीं आया, कामरान गुलाम आया अभी, हाँ इसके बाद में मलफीज आएगा। लाहौर क्लंदर्स कम ऑन, फहर महिला भी हो गया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अरमान, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैच मारे पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा वहां पर तंग हो रहा था इसलिए मैं पीछे आ गया। लो जी हुआ ये कि 3 विकेटें गिरने के बाद फहर जमान ने थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करना शुरू किया, एक दो बाउंड्री लगा के स्ट्राइक रोटेट कर लेते, थोड़ी सी हमारी एवरेज भी ऊपर आना शुरू हुई और हमारा स्कोर भी चलना शुरू हुआ। स्लोली स्लोली जैसा ही स्कोर आगे बढ़ रहा था हमारे फहर भाई की हुई 50 कम्प्लीट। फहर भाई के बाद एक गोरे भाई साहब थे हैरी ब्रोक उनका नाम था, उन्होंने क्या कमाल की बैटिंग खेली, राइट हैंडेड बैट्समैन थे ये, छक्का चौका मार रहे थे और जनाब उन्होंने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर दी। लाहौर ने किया 197 और जीतने के लिए 198 करना है इस्लामाबाद यूनाइटेड, सही कह रहा हूँ लड़के। अब शहीन का पहला स्पेल बड़ा क्रिटिकल, देखते हैं क्या होता है, उम्मीद था कि लाहौर क्लंदर जीतेगा, कौन जीतेगा, लोहड़ी है। हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो ये थी वो ये थी कि हाउस फुल हो चुका था। शानदार धुआंधार और जबरदस्त क्रिकेट खेलने के बाद लाहौर क्लंदर ने अपने होम ग्राउंड में मैदान मार लिया और मैच को अपने नाम किया एंड फाइनली वो टीम जीत गई जिसको मैं सपोर्ट करने वहां पे गया हुआ था। खैर ये सब मजाक की बातें तो होती रहेंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली हुई है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान की जीत है, ये लाहौर इस्लामाबाद कराची मुल्तान पिशावर और क्वेटा की जीत है, ये पाकिस्तान के हर शहर की जीत है कि पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा वापस आई और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी पाकिस्तान में आने पर इसरार कर रहे हैं और PSL के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी अच्छे से हो जाएगी, ऐसी हम दुआ आस और तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। सो यस दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज व्लॉग, खैर चला ही गया मैं मैच देखने, फाइनली तबीयत इज 95% ओके अल्हम्दुलिल्लाह। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है और लिटरली बहुत मोटिवेशन मिलती है, ये सिर्फ ऐसे नहीं होता कि मुझे जस्ट एक फ्रेज बोलना होता है, बहुत काइंड ऑफ इनकरेजमेंट मिलती है जब आप कमेंट करते हैं कि चलो अच्छा काम चल रहा है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, फॉलो योर ड्रीम्स, अल्लाह हाफिज़।